नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में मत्स्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य पालक किसानों को बधाई दी और उत्कृष्ट और नई तकनीक से कार्य कर रहे मत्स्य पालक किसानों और महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। साथ ही मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने नई योजनाओं के साथ मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचाने का कार्य लगातार कर रही है, जिससे मत्स्य पालक किसान और भी मजबूत हो सके और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके। सर्वप्रथम आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्य की दिवस पर आप सभी लोगों को और हमारे मत्स्य पालकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। आज का दिन मैं समझती हूँ कि इस बात का मंथन का दिन होता है, जिस दिन हमारे मत्स्य पालक अपने द्वारा किए गए कामों का उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और पिछले गत वर्षों में किस प्रकार का क्रियान्वयन हुआ और अब आगे किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर एक मंथन करना, एक गोष्ठी करना, वही आज हमारे विभाग के माध्यम से जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे जनपद स्तर में हमारे जो मत्स्य पालक बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तकनीक के साथ कार्य काम कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने आज प्रोत्साहित किया है, शॉल देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा भारत सरकार के मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में अपने सलाहकार की भूमिका निभा रहे डॉक्टर पांडे भी भारत सरकार से यहाँ आए हैं। उन्होंने भी किस प्रकार से हम मत्स्य संपदा योजना को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारियाँ दी हैं। मैं मानती हूँ कि हमारे मत्स्य पालन विभाग ने 2016-17 के बाद से यदि मैं कहती हूँ तो लगातार प्रगति की है। 2016-17 में पूरे प्रदेश भर में 4000 के आसपास हमारे मत्स्य पालक हुआ करते थे। आज वो मत्स्य पालकों की संख्या जो है वो 15 से 20 हज़ार के बीच में जो है वो संख्या बढ़कर हो गई है। आज मत्स्य पालन के प्रति ये उत्साह बढ़ा है कि ये किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक गरीब किसान से लेकर एक बड़ा किसान, ये एक बड़ा व्यवसाय भी जो है मत्स्य पालन कर रहा है। हमारे विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं मत्स्य पालन के दिशा में संचालित है। वर्तमान में ट्राउट को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। डेनमार्क से हम ट्राउट के आइडोबा लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पर सर्वाइवल में रेट पे वो सर्वाइव कर चुके हैं। और मैं समझती हूँ कि हमने कई ब्रूड बैंक, खटीमा ब्रूड बैंक तैयार किया है, जहाँ पर हम लोग मछलियों के जो सीड है वो तैयार करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना में हम लोग हमारे तालाबों को सुदृढ़ीकरण NCTC के माध्यम से फीड मिल है या किसी मत्स्य किसानों को उनके पॉइंट्स को सशक्त करने के दृष्टिकोण से जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो देना, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। आज हम किसानों को फिंगर, किसी समय किसान जो है मछली का बच्चा पैदा होने पर उसे ले लेता था, लेकिन आज हम उस बच्चे को एक फिंगरलिंग के बराबर जो है साइज का हम दे रहे हैं, जिससे कि जो मोर्टिलिटी रेट है वो घटी है। और मैं कह सकती हूँ कि आज हम उत्तराखंड जो है मत्स्य उत्पादन की दिशा में 4000 टन के आसपास विगत वर्षों तक उसका रिकॉर्ड था, लेकिन अभी वर्तमान में 2019-20 तक यह 5600 टन के करीब पहुंच चुका है। और हमारा लक्ष्य है कि यह मत्स्य उत्पादन जो है आने वाले इन 1.5-2 वर्षों में जो है हम और डबल करके देंगे। कोरोना के कारण निश्चित रूप से प्रभावित रहा है, तो मेरा ओवरऑल ये मानना है कि मत्स्य संपदा योजना हो या हमारे अपनी सब्सिडी आधारित योजना हो, उनके माध्यम से महिलाएँ, पुरुष, युवा, प्रवासी सभी लोगों ने इस योजनाओं को स्वीकार किया, क्योंकि ये योजना, ये व्यवसाय कम मेहनत अधिक फल देने वाला है। और मैं समझती हूँ कि इससे निश्चित रूप से जो योजनाएं हमारी संचालित है उससे हमारे युवा रोजगार परक बन रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं।